नमस्कार, आज हम जानेंगे स्पाइनल डी सेगमेंटेशन कैसे होती है और क्या उसके फायदे होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम ये देखें, स्पाइनल डी सेगमेंटेशन में हम लोग बॉडी को रेजिस्टेंस दे दे के मूव करवा रहे हैं। ओके, सो पहले में सिर्फ हाथ मूव करेगा और हमारी गर्दन सामने की तरफ स्टेबल रहेगी। उससे हमारा ये फायदा होगा कि गर्दन के वर्टिब्रास छोड़ के नीचे वाले वर्टिब्रास हमारे मूव करना शुरू कर देंगे। ओके, तो ये हमारी होगी सर्वाइकल डी सेगमेंटेशन। नेक्स्ट जब हम आते हैं, हम अपनी गर्दन की भी मूवमेंट साथ में करेंगे, तो उसमें क्या हो गया, हमारा कमर तक का, उसके ऊपर के हिस्से तक का सारा सेगमेंट हमारा मूव करना शुरू कर देगा। ओके, एंड थर्ड, जिसमें हम लोग पैर को पीछे कर देते हैं और फिर हम लोग पूरी मूवमेंट करते हैं, तो उससे हमारा क्या हो रहा है, पूरा लंबर तक स्पाइनल डी सेगमेंटेशन। अपनी स्पाइन के एक एक हिस्से को डी सेगमेंट करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि हम उसकी अलाइनमेंट मेंटेन कर सकें और किसी भी मसल पे एक्सेसिव स्ट्रेस या स्ट्रेन ना आए।